नमस्कार दोस्तों, मशीन कनेक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने पार्ले जी बिस्किट तो बहुत खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि फैक्ट्रीज में पार्ले जी बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होता है? अगर आपने कभी नहीं देखा है तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपको पार्ले जी बिस्किट बनाने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, जिसे देख कर आपको मज़ा तो ज़रूर आएगा, इसी के साथ साथ आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ हमारे चैनल में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि फैक्ट्रीज में किस तरह से इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। दोस्तों, पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए आटा, एडिबल ऑयल और शुगर की जरूरत पड़ता है। सबसे पहले व्हीट फ्लोर यानी कि आटे को अच्छी तरह से छना जाता है। उसके बाद शुगर को बहुत ही छोटे छोटे मात्रा में काट लिया जाता है, जिसके बाद शुगर, आटा और एडिबल ऑयल तीनों को एक मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, ताकि ये तीनों अच्छी तरह से आपस में मिल जाए। एक बार ये मिक्सर तैयार होने के बाद इसे मोल्डिंग सेक्शन में डाल दिया जाता है, जहां इसे 30 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, जिसके बाद इसे एक और मोल्डिंग सेक्शन में डाल दिया जाता है, जहां इसे पार्ले जी बिस्किट का शेप या आकार दे दिया जाता है। उसके बाद इन्हें बेकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां इस बिस्किट्स को 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, जिसके बाद बिस्किट्स ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इन बिस्किट्स को कूलिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है ठंडा होने के लिए। इन बिस्किट्स को ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट तक ठंडा किया जाता है। एक बार ये बिस्किट ठंडा होने के बाद इन बिस्किट्स को पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है पैकिंग होने के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, पार्ले जी बिस्किट के फैक्ट्री में एक दिन में क्लोज टू 40 करोड़ का बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आप समझ सकते हो पार्ले जी बिस्किट कितने बड़े स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करती है पार्ले जी बिस्किट्स का। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी टाइप का वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल रेस्ट ऑफ द डे।